हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, बिहार दरोगा की 2213 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका पीटी एग्जाम 2021 में होगा, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 40 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 39 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना करके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार दरोगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ रखा गया वो 75 रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेट का पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है। आप लोग कोशिश कीजिए केवल 5 सेकंड के अंदर में आंसर देने का, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, यह जो रिपोर्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है जारी किया जाता है, और टोटल 156 देशों की सूची में भारत को 144वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर जो है कौन सा देश रहा है? फिनलैंड रहा है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? प्रथम स्थान भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, फ्रेंच ओपन 2020 की पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब राफेल नडाल ने 2020 में जीता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और राफेल नडाल हैं कहाँ के? तो फ्रेंड्स, यह स्पेन के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पिरामिड उल्टे या उल्टा नहीं हो सकता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। ऊर्जा का पिरामिड जो है कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है हमेशा एक दिशा में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो CAG आपने सुना होगा। तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किसे जो है सम्मानित किया गया है, किसको प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह 5 लोगों को दिया गया है। क्रिकेटर रोहित शर्मा को, कुश्ती से संबंधित है विनेश फोगाट को, उसके बाद टेबल टेनिस से संबंधित मनिका बत्रा को, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को, और भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 में हुई थी, और पहली बार यह पुरस्कार जो है विश्वनाथन आनंद को दिया गया है, और यह जो अवार्ड है इसके तहत 25 लाख रुपये की जो है राशि प्रदान की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भारत में अब कुल कितने विश्व विरासत शहर या स्थल शामिल हैं? तो सबसे पहले जानिए, ग्वालियर और ओरछा जो है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है फ्रेंड्स? अब जो है कुल विश्व विरासत स्थल की जो है संख्या हो गई है ये 40 हो गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, काकेसस युद्ध सैनिक अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो काकेसस जो है यह बहुराष्ट्रीय सैनिक युद्ध अभ्यास है, और यह जो है रूस में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसमें जो है भारत शामिल होने से मना कर दिया था, इसलिए यह काफ़ी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है बलबीर सिंह चौहान थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विधि आयोग का गठन 3 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए किया जाता है, ठीक है? और विधि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, और उसके बाद बात करें तो सचिव सहित इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ध्यान दीजिएगा, ये जो 21वां विधि आयोग था इसने ही लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है? तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है विलय किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, विलय के पश्चात यह दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। पहला अगर पूछा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक है, तीसरा पूछा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला टायर पार्क जो है यह कहाँ? पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। 2020 का रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन बना? तो ये बना सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके यह खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? स्टैनले था। स्टैनले, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टैनले, ठीक है। और उस पर गोली किसने चलाई थी? तो उस पर गोली चलाया था किसने? बीना दास ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो देखिए, वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? 24.5%। जबकि होना कितना चाहिए? तो लगभग 33% होना चाहिए, जो कि अभी कम है, ठीक है। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर के दरबार से पूर्व जो है तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, तानसेन का जो है बचपन का नाम या फिर कहें वास्तविक नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इनका जो नाम था रामतनु पांडे था, असली नाम जो था इनका रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे। 75 जो है टारगेट रखा गया, कट ऑफ रखा गया आज का। ए टाइड इन अफेयर्स ऑफ मैन ए पब्लिक सर्वेंट रिमेंबर्स के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक जो है, इसके लेखक हैं प्रदीप लाहिरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रदीप लाहिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1951 के चुनाव में कहां से चुनाव लड़े थे? तो स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और इन्होंने बरबीघा विधानसभा से, कहां से? बरबीघा विधानसभा से जो है चुनाव लड़ा था, ठीक है। 1946 से लेकर के, यहां मैं लिख देता हूं, 1961 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आंचलिक भाषा का महान लेखक और कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु ने 1972 के बिहार विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़ा था? तो इन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव 1972 में फारबिसगंज से लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये हार गए थे, ये निर्दलीय उम्मीदवार थे, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा जो थी, सरकारी भाषा जो थी, ये फारसी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1206 से लेकर के 1526 तक, ठीक है। पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है तो बाबर उसमें जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली पर जो है कब्जा कर लेता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 मुस्लिम वंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, मैं क्रम से बता रहा हूँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो फ्रेंड्स, कम्युनल अवार्ड आप सभी को पता है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसको जो है प्रभाव में लाया था, ठीक है। और इसी के तहत जो है हरिजन को हिंदू से अलग मानते हुए उनके लिए अलग आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिससे गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने अनशन शुरू किया, ठीक है। और पूना पैक्ट आपको ध्यान होगा, 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था, और इसी के तहत जो है यह रद्द हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चितर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चितर सिंह ने जो है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह पूना के रामोसी जनजाति ने अपने सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? तो यह संधि जो है यह पुरंदर की दूसरी संधि है, ठीक है, पुरंदर की दूसरी संधि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1776 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में? तो यह मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसी के तहत राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त होगा। पुरंदर की पहली संधि जो थी 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि जो है औरंगजेब ने प्रदान किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है और राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, एक तरफ जो है लेखक दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, यहाँ पर मुल्ला दाऊद,
मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो तारीख़ अल्फी, ठीक है। मोतबिंद खान की इकबाल नामा, उसके बाद खाफी खां का हो जाएगा मुंतखब उल लुबाब, और भीमसेन की नुस्खाए दिलखुश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये सभी पुस्तक जो है मुगल कालीन प्रशासन एवं विभिन्न जो है आयामों की जानकारी मिलती है इन पुस्तक से, ठीक है। ये जो इकबाल नामा है इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा, इकबाल नामा से जहांगीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी सुमेलित करना है, एक तरफ संत हैं और उनके द्वारा चलाई गई सिलसिला है एक दूसरी तरफ, ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो इनके द्वारा तारीख़ अल्फी, एक मिनट, हाँ राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाँ देख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार चिश्ती, चिश्ती हो जाएगा, उसके बाद सैयद अली हमदानी ऋषि, उसके बाद शेख सरयुद्दीन यौद फिरदौसी, और ये शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो देखिए उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो था वेंसी टाट। कौन था? वेंसी टाट था। और देखिए बक्सर के युद्ध जो है भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध रहा है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मोनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मोनरो ने किया था, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है इसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और इस युद्ध के बाद लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जोड़ी इसमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड सुमेलित जोड़ी जो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेलेजली तृतीय मैसूर युद्ध। देखिए तृतीय मैसूर युद्ध जो है यह लॉर्ड कार्नवालिस के समय हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कार्नवालिस के समय में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो कालक्रम बताना है, तो सबसे पहले श्रीगुप्त हो जाएगा जिसने कि गुप्त वंश की स्थापना किया था, उसके बाद समुद्रगुप्त हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, उसके बाद समुद्रगुप्त दूसरा हो जाएगा, उसके बाद रामगुप्त तीसरा हो जाएगा, और स्कंदगुप्त जो है, ये क्रम मैं बता रहा हूँ यहाँ से इस क्वेश्चन के हिसाब से क्रम, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला पूछा जा रहा है, तो एंडीज पर्वत हो जाएगा। एंडीज पर्वत जो है यह दक्षिण अमेरिका का पर्वत है और यह 7 देश से होकर के गुजरता है, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला से, ठीक है। एंडीज पर्वत लगभग जो है 7200 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 7200 किलोमीटर यह पर्वत लंबी है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें हम रॉकी पर्वत, तो रॉकी पर्वत कहाँ है? यह उत्तरी अमेरिका में है। आल्प पर्वत कहाँ है? आल्प पर्वत यूरोप में है। और हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत आप सभी को पता है भारत की नवीनतम पर्वत है, और यह चार पर्वत, ये जो है पर्वत, ये जो चारों पर्वत आपको दिया गया है ये जो है फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण है, मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। उसके बाद देखिए गोंडवाना लैंड का भाग कौन कौन सा है? तो गोंडवाना लैंड का भाग इसमें से हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेडागास्कर जो है यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। गोंडवाना खंड में अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, अरब का प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और न्यूजीलैंड शामिल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दामोदर घाटी परियोजना से कौन संबंधित नहीं है? दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, और यह जो है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह परियोजना अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रभावित है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रभावित है। और इसमें से संबंधित जो नहीं है यह हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओबरा बांध। ओबरा बांध जो है यह रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद तिलैया बांध एवं मैथन बांध जो है, मैथन डैम, यह बराकर नदी पर है। तिलैया और मैथन ये दोनों जो हैं कहाँ हैं? बराकर नदी पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और पंचेत बांध यहाँ पर दिया गया है, तो पंचेत बांध को भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचेत बांध ये जो है दामोदर नदी पर बना हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो यह जो नदी है इस नदी का नाम जो है कौन सा नदी हो जाएगा फ्रेंड्स? सिंधु नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। उसके बाद है कि प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में तेलंगाना का पठार और कर्नाटक के पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो यह नदी कौन सी हो जाएगी?
ये नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है यह, और महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ में से जाड़े में वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तरी भारत में होती है। ठीक है, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है दिसंबर से जनवरी में वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कहाँ जो है शीतकाल में वर्षा होती है, तो शीत ऋतु में तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है, तो देखिए ये कोटोपैक्सी पर्वत जो है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कोटोपैक्सी पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है एक प्रकार का। ठीक है, और यह इक्वाडोर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चिहुआहुआ किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो चिहुआहुआ जो है यह कहाँ है फ्रेंड्स, मैक्सिको में है। मैक्सिको में चांदी के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक चांदी मैक्सिको में ही पाया जाता है। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हैं, तो कल ही मैंने बताया था कि भारत के 9 राज्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वृहत ज्वार आता है, तो फ्रेंड्स वृहत ज्वार जो है यह आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। दो ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए बुध जो है यह सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नवीनतम खोज के आधार पर अगर बात करें तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है यह कौन सा है, तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है यह बर्ख्यांश्क है। और यह कहाँ है फ्रेंड्स बर्ख्यांश्क, तो यह साइबेरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल होता है, तो ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल जो है तारे, ऑप्शन नंबर इसका जो है 40 का डी हो जाएगा, सिमट गया तारा। ठीक है, तारे जब जो है ऊर्जा का स्रोत उनमें समाप्त होने लगता है तब उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट के पश्चात अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि वहां से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, इसे ही कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल की खोज भारतीय मूल के वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने किया था और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान पाया जाता है, तो देखिए यह जो है एक तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है, आप सभी को पता है आर्टिकल 48A में है। उसके बाद यह जो आता है मौलिक कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया है, 51AG में इसको शामिल किया गया है, तो दोनों हो जाएगा ए और बी, दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। फ्रेंड्स इससे पहले जो है करीब करीब हमने 27 से 28 वीडियो जो है 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया, करीब 1000 से अधिक प्रश्नों को हमने कवर किया हुआ है, साथ ही साथ 39 हमने प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो राइट आंसर 42 का बताइए क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 43A। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 अप्रैल के दिन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, 2010 से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, कब से, 2010 से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है, सबसे पहले जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 263 के आधार पर, आर्टिकल 263 के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, और सर्वप्रथम यह 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका सदस्य मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है, क्षेत्रीय परिषद के बारे में जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स क्षेत्रीय परिषद जो है एक वैधानिक संस्था है यानी कि संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद कितने प्रकार के हैं, तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, ध्यान रखिएगा, और इसका जो अध्यक्ष होता है भारत का गृह मंत्री होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। लक्षण जो है
ये दिया गया है कि लक्षण नहीं है, तो ये संवैधानिक संस्था जो है नहीं है। ध्यान रखिएगा यह एक परामर्शदात्री संस्था है। कौन सा प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है, तो ये प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए 1991 से वर्तमान समय तक लगातार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। 1991 में असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 1990 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने थे। 1991 से लेकर के, ये ध्यान रखिएगा, 1991 से लेकर के 1996 तक जो है ये भारत के वित्त मंत्री रहे थे, और 2004 से लेकर के 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, वर्तमान समय में मनमोहन सिंह छठी बार राज्यसभा के लिए राजस्थान से जो है चुने गए हैं, राजस्थान से, ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। आप सभी को पता है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो कल हमने कवर किया था कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई, तो न्याय की व्यवस्था तीन प्रकार की न्याय की व्यवस्था, कौन कौन सी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। आज पूछा जाए कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो पांच प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता तथा उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था, तो मूल संविधान में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं निश्चित कौन करेगा, तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आर्टिकल 110 जो है यह धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख जो है यह आर्टिकल 326 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला क्वेश्चन हमारे 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, उपसभापति पूछा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपसभापति या उपाध्यक्ष बनाया गया था। अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी, अंतरिम सरकार की बात कर रहा हूँ, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खदान मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो संघीय लक्षण इसमें से पूछा जा रहा है, तो राज्यपाल का पद जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, भारत का संघीय ढांचा जो है ये कनाडा से लिया गया, संघीय ढांचा, संसदीय पूछा जाए तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन संघीय अगर पूछा जाए तो कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेबी क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए सेबी जो है एक वैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, तो देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर, इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा 1992 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1992 में संसदीय अधिनियम के द्वारा जो है इसको वैधानिक संस्था घोषित किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैधानिक संस्था, ऑप्शन नंबर बी हाँ वैधानिक संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि मल्होत्रा समिति संबंधित है, तो मल्होत्रा समिति जो है यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 1999 में, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, 1999 में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर जो है IRDA का गठन किया गया। IRDA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो फ्रेंड्स बाजार का नियम जो है ये JBC ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था और रिकॉर्डो ने लगान का सिद्धांत दिया था, इन्होंने लगान का सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, फ्रेंड्स आपको पता होगा 1986 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यह पारित जो है संसद से 2005 में किया गया।
ठीक है। और 2006 में मनरेगा को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश से इसको लागू किया गया, 2006 से लागू किया गया, पारित 2005 में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना का संबंध है, तो भारत निर्माण योजना का संबंध जो है कब, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अवस्थापना विकास से है। भारत निर्माण योजना कब से शुरू किया गया, 2005 से इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस योजना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना विकास को पूरा करना लक्ष्य निर्धारित इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंग्रेजी में बोलते हैं अधिनियम प्रभावी हुआ है, तो देखिए SEZ विशेष रूप से परिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां से व्यापार आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 2006 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक सुधार के जनक कौन है, तो आर्थिक सुधार के जनक भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह, ठीक है। 1991 से 96 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है, एनके सिंह का पूरा नाम क्या है, नंद किशोर सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। वित्त आयोग के गठन अनुच्छेद 280 में है और इसका जो गठन का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो 111वां रहा है। उसके बाद देखिए किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, दाब में भिन्नता, ठीक है। ध्यान रखिएगा दाब में भिन्नता, क्वथनांक दाब का समानुपाती होता है, ठीक है। क्वथनांक बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, समानुपाती होता है, दाब के बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक घटता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वो खाली स्थान है में जुड़े होते हैं, तो फ्रेंड्स यह जुड़े किस में होते हैं, समानांतर क्रम में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्धचालक का प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ाने पर घटता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, आप सभी को पता है विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, इससे रिलेट करके रखिएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है, घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणाभ वृंत किसका उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ये जो है उदाहरण है ताना का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का कशेरुक दंड में कितनी कशेरुक होता है, तो 33 होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो फ्रेंड्स यह जो ऊर्जा जमा होती है किस रूप में होती है, तो यह ग्लाइकोजन के रूप में होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ष 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था कब गिराया गया था, तो ध्यान रखिएगा नागासाकी पर जो है 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है। और इसमें जो है यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, यूरेनियम 239 का। उसके बाद 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसमें जो है यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, यूरेनियम 235 का, माफ कीजिएगा इसमें प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यूरेनियम 235 का उपयोग जो है हिरोशिमा पर जो गिराया गया था 6 अगस्त को उसमें इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो फ्रेंड्स यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और दक्षिण अफ्रीका के जो है डॉक्टर हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड इन्होंने ही किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो आप सभी को पता है गैलीलियो ने किया था। एडिसन ने किसका आविष्कार किया था, तो एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था और गुटनबर्ग ने टाइपिंग मशीन जो है यानी कि कह सकते हैं कि मुद्रण कला का आविष्कार किया था, ठीक है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, तो डीजल इंजन में राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीजल की वाष्प और वायु। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे का डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है साइटोसिन,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साइटोसिन डीएनए में जो है अनुवांशिक अनुवांशिक जो लक्षण है उसका संवाहक होता है। पूछा जाता है कि अनुवांशिक लक्षण का संवाहक कौन होता है, तो डीएनए। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट छोड़ा गया था, तो यह सेटेलाइट जो है 1988 में छोड़ा गया था और IRS-1A इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ IRS-1A इसका जो है नाम है। और यह छोड़ा कहाँ से गया था, तो यह सोवियत संघ के वैंकानूर से छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो है अंतरिक्षयान भारत का कौन है, आर्यभट्ट है। ठीक है, उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से प्लेटिनियम जो है सबसे कठोर धातु है। याद रखिएगा, वैसे कठोर पूछा जाए तो हीरा जो है सबसे कठोर होता है और यह कार्बन का जो है अपर रूप है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी आप कह सकते हैं। कॉस्मिक किरणें, तो कॉस्मिक किरणें जो है फ्रेंड्स यह जो होती हैं आवेशित कण होती हैं। ठीक है, आवेशित कण होती है, मुख्यतः जो है धनावेशित प्रोटोन होता है। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बेमेल को अलग करना है। तो देखिए बाकी सभी जो हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले असीमा चटर्जी जो है इनमें से बेमेल है। असीमा चटर्जी जो हैं यह प्रथम महिला वैज्ञानिक थी जिनको कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। बाकी जो है आर के लक्ष्मण, मारियो मिरांडा और सुधीर तेलंग ये कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, कार्टूनिस्ट हैं, जो कार्टून बनाते हैं ना ये कार्टूनिस्ट हैं। पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है, तो पनिहारी जो है फ्रेंड्स यह गुजरात का लोक नृत्य है। विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध जो है वायलिन से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संतूर पूछा जाता है, शिव कुमार शर्मा, बार बार पूछा जाता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा संतूर से। उसके बाद देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूटेंट ने किया था। किसने किया था, हेनरी ड्यूनेट ने। यहाँ मैं लिख देता हूँ हेनरी ड्यूनेट ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ये भी ध्यान रखिएगा जेनेवा शहर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है, या 8 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुयर्निका जो एक मुख्य चित्र है किस चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया है, तो गुयर्निका जो है यह पाब्लो पिकासो के द्वारा जो है तैयार किया गया है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे, स्पेन के प्रख्यात चित्रकार थे, ध्यान रखिएगा। मजलिस कहाँ की संसद को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स मजलिस जो है मालदीव के संसद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो यह NH-44 है। NH-44 ध्यान रखिएगा, NH-44 जो है यह भारत का सबसे लंबा राजपथ है और यह राजपथ कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। उसके बाद देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है ध्यान रखिएगा ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो शेर जो है यह नीदरलैंड कहा जाएगा। किसका, नीदरलैंड का। फ्रांस का क्या है, लिली है, लिली जो फूल होता है लिली। ठीक है, उसके बाद ईरान का पूछा जाए, ध्यान रखिएगा ईरान का गुलाब है और रूस का डबल हेडेड ईगल है, दो ईगल होता है मतलब बाज वाला। आंध्र केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। टी प्रकाशम जो है 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन के बाद वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद देखिए क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है, तो इस तकनीक का उपयोग जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंशानुगत बीमारियों में। भारत बिहार में कुल कितने NH गुजरते हैं, तो बिहार से जो है टोटल कितने NH गुजरते हैं, 43 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद यह चित्र देख लीजिए और इस चित्र में से जो है राइट आंसर आपको चुनना है कि इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी, तो अधिकतम इसमें पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पी पर जो है अधिकतम होगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है पी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखिए निम्नलिखित में से किस में बल नियत रहता है, तो बल नियत जो है एक समान रैखिक गति में रहता है, एक समान रैखिक गति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो 75 है। जरा आप कमेंट करके बताइए बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, विधानसभा में। ठीक है, हाल ही में चुनाव हुआ है 2020 लास्ट में, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स 96 से लेकर के 100 तक मैथ के क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स देखिए मैं आंसर बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दूंगा ताकि आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो देखिए एक वर्ष के लिए दिया गया है, तो यहाँ से देखिए इसको अनुपात में जब चेंज करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएगा और ये अनुपात कितना निकल के आ जाएगा,
ये 5, 14 और 13 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद कुल लाभ मान लीजिए एक्स है, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ एक्स है। अब कह रहा है कि यदि श्याम का भाग जो है इतना है, तो अभी अनुपात हमने कितना निकाला था, 5, 14 और 13, तो श्याम का कितना हो जा रहा है, श्याम का कितना हो जा रहा है, श्याम का निकालना है, ठीक है। तो श्याम का जो है 14 हो जाएगा, तो 14 बटा सबको जोड़ दीजिए, 14 5 19 बटा 13, तो ये 32 हो जाएगा, इंटू कुल लाभ हमने एक्स निकाला था, इक्वल टू ये ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 2282। तो फ्रेंड्स यहाँ से कुल लाभ आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू। तो राइट आंसर एक्स की वैल्यू 5216 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर मैं बता देता हूँ 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आसान है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 रुपया। उसके बाद देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछा जा रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर तो आप निकालना जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 4% रेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए एक काम को, इसको मैं बता देता हूँ, देखिए ए एक काम को 4 घंटे में करता है। उसके बाद देखिए बी प्लस सी जो है ये कितने दिन करते हैं, 3 घंटे में करते हैं। उसके बाद ए प्लस बी जो है 2 घंटे में करते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि सी अकेले कैसे करेगा, तो सी का हम कैसे निकाल सकते हैं, सी का निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या हो जाएगा, सी का निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस ए बी। अगर यहाँ से हम माइनस ए बी को कर दें तो ये हो जाएगा ना, ए बी हट जाएगा और सी बच जाएगा, तो यही तरीका हो जाएगा ना, यहाँ लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। अब देखिए ए का कितना दिया हुआ, ए का दिया हुआ है प्रश्न में पढ़िए, ए का 4 घंटे में 1/4 हो जाएगा, बी प्लस सी दोनों दिया है, बी प्लस सी 3 घंटे में, तो 1/3 इक्वल टू, देखिए ए प्लस बी दोनों दिया हुआ है, 1/2, यहाँ से कर दीजिए, ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ये 12 घंटा निकल के आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हमने कवर किया है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, डेली आपको यहाँ प्रैक्टिस शीट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।